आज हम देखने वाले हैं लेटेस्ट ब्राइडल टिकटॉक्स ऑफ पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स। मतलब पाकिस्तान में भाई दुल्हनें किस तरह की होती हैं, या फिर उनका ज्वेलरी, ड्रेस, ये सब किस तरह का होता है, वही सब देखने वाले हैं। 2023 का ये पार्ट है भाई, मतलब फैशन तो चेंज होता रहता है, तो भाई 2023 में क्या चल रहा है ये भी देखेंगे, और आप भी हमारे साथ देखेंगे, एंड तक बने रहना। हम जो जो पूछे भाई बता देना कमेंट बॉक्स में, है ना। शुरू करते हैं अभी, गो। गानों में थोड़ा इशू आ सकता है कॉपीराइट का, तो वो गाने म्यूट हो जाएंगे। ये ड्रेस तो शादी की दुल्हन की नहीं है, हाँ, पर ऐसा लग रहा है जैसे शादी में जाने के लिए जो अदर गर्ल्स रेडी होती, ये है दुल्हन का ड्रेस भाई। क्या ड्रेस है और क्या ज्वेलरी है यार। और मेकअप भी पूरा ऐसा मेहरून टाइप का, वो या ब्लशेस या रेड रेड, भाई कमाल है यार, बहुत जबरदस्त। अंगूठी तो कुछ ज्यादा ही बड़ी पहनी, कितना हेवी होगा वो ड्रेस। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जितनी दुबली लग रही है उतने उससे ज्यादा वजन अपने सिर पे डाल रखा है। ये ड्रेस पता है मतलब वो ऊपर इतनी चीजें इनके वो लगी होती है, पता नहीं क्या क्या, वो क्या बहुत हेवी हो जाती होगी, तार वो पता नहीं कुछ भी एक्सेसरीज जो रहती है, चुपता नहीं होगा, कपड़ा अंदर रहता है ना यार, तो ऊपर अंदर भी एक मतलब हेवी कपड़ा ही लगता होगा उसमें, लेकिन वो अंदर का नहीं लगता होगा, लेकिन हाँ गर्मी लगती होगी, गर्मी लगती होगी उसमें। चलो, इतना भारी सामान भी गर्मी तो लगेगी। हाँ, आगे देखते हैं। रबीका, ये हल्दी मेहंदी के लिए ड्रेस बढ़िया है, क्या बात है। ये गाने पे हमारे स्कूल में बहुत लड़कियों ने डांस किया था। नेक्स्ट। ये तो वैसे ही इतनी क्यूट है, इनको ऐसा लग रहा है मेकअप की भी जरूरत नहीं है। वैसे ये सिंपल सूट लग रहा है, बिल्कुल सिंपल सोबर है, इसमें भी बहुत काम देख चमक रहा है। एक चीज आपने नोटिस की होगी कि इंडियन जो भी एक्ट्रेसेस शादी करी है उनका मेकअप भी कुछ इस तरह का ही होता है, या इससे भी लाइट होता है, लाइट होता है, लाइट ही होता है। हाँ, जैसे अनुष्का शर्मा की शादी ले लो, अभी आलिया भट्ट की रिसेंटली, वो ऐसा रियलिस्टिक लग रहा था कि चेहरा, हाँ, बहुत ऐसा, ये बहुत टाइट मेकअप, वो देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज्यादा ही मेकअप किया हुआ है, और इनका भी वैसा ही कुछ लग, जब जितना नेचुरल लगे ना चेहरा उतना वैसा मेकअप होना चाहिए जिसमें चेहरा नेचुरल लगे, वो अलग ही लगता है कि बहुत ज्यादा मेकअप, वो बहुत ज्यादा वो रोबोटिक वाली फील आती है कभी कभी शादी में, जो मेकअप वाला मैं यही सोचता हूँ ये रोबोट बनने की जरूरत क्या है इनको, कभी अच्छी वाली। अरे बहुत सारे लोग तो अच्छे भले रहते हैं, मेकअप करके और खराब हो जाते हैं, लगने लग जाते हैं। हाँ, अच्छी शक्ल वाले लोग पता नहीं, लेकिन ये इतनी क्यूट है कि इन्होंने उस हिसाब से ही किया है मेकअप, तो वो बहुत खूबसूरत सही लग रही है ना, वो इतना मेकअप, आई लव दिस टाइप ऑफ मेकअप, वहां जहाँ पे कम मेकअप किया जाए और चेहरे को रियलिटी अपने चेहरे की ज्यादा दिखाई जाए, वो मुझे बहुत पसंद है। ये बात तो है। चलो, ये तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस लग रही है मुझे, जैसे कोई बात नहीं। ये ड्रेस सेम वो रेड वाले ड्रेस जैसा ही है, बस कलर लाइट है ना, बट व्हाइट ज्यादा अच्छा लग रहा है ना रेड से, क्योंकि रेड से बन बोर हो चुके हैं, बोर हो चुके हैं। ये देख फिर कलर चेंज, क्या बात है, कितना बढ़िया लग गया। वाह भाई, लोकेशन भी साथ में, ये स्पेशली शादी के लिए शूट के लिए लोकेशन बनी होगी। ये मुझे वो कोई ड्रामा चल रहा है ना अभी, उसके उसके शेड जैसा लग रहा है, पूरा हाई फाई बना हुआ, क्या बात है भाई। ये ज्वेलरी देख के मुझे यही याद, यही माइंड में आ रहा है, दर्द है चुभन है, मतलब क्या क्या चुभ रहा है क्या। वो मतलब चल ड्रेस में तो अंदर कपड़ा वपड़ा लगा रहता है, पर ज्वेलरी में यार ये इतनी हैवी तो पक्का चुभती होगी, किसी की सेंसिटिव स्किन होती होगी तो उसको तो रेड रेड हो जाता होगा, रैशेस हो जाते होंगे, बट क्या करें, दिखाना भी जरूरी है। बताना भाई, कोई लड़की अगर देख रही हो जिसकी शादी हो गई हो, उन्होंने ऐसा ज्वेलरी पहनी हो, ज्वेलरी पहनी हो टाइट हाई फाई, हाँ तो क्या वो कुछ रैशेस दर्द होता है क्या, बताना जरा। मतलब लड़कियों के लिए भी बड़े तामझाम होते हैं यार, वो उनको करना पड़ता है, करना पड़ता है, कईयों को मजबूरी में करना पड़ता है। लोग बातें करते हैं, वो चार लोग बातें करेंगे ना यार, अदरवाइज वो चार लोग बहुत परेशान करते हैं सबको यार। सही है, चलो आगे देखते हैं। चार लोग क्या बोलेंगे,
हम गा दे रहे भाई कॉपीराइट ना, इसलिए बाद दिल इतने कॉपीराइट्स है कि बस क्या ही बताएं। बस एक खूबसूरत सी पाकिस्तानी लड़की हो जो दुल्हन के लिबास में हो, पीछे बैकग्राउंड में एक बॉलीवुड का गाना हो, शादी वाला या 90s वाला और ऑलरेडी हिट है भाई वो रील दीवाने। ये सब गाने सुन के हमें हमारी खालाओं फूफों की शादियों की याद आती है, या बड़े बड़े जो कजन होते हैं उनके उनकी शादियों में कितना डांस हुआ था ना। नॉस्टैल्जिक वाइब्स आती है सब सुन के। गाने अभी एवरग्रीन गाने ये तो होती पुराना ड्रेस है यार। मैं ये बोलने वाला था कि मेरी अम्मी की शादी के टाइम इस तरह की ड्रेस चलती थी। उस तरह के रेशे जो आ रहे हैं इसमें निकल रहे हैं। अच्छा इसको बनाया भी वैसे के वीडियो को भी वैसे बनाया उन्होंने, वो थोड़ा पुराना टाइप का वो फिल्टर डाल के बनाया। तो आई थिंक ये बताना ही चाह रहा है कि पुराने ऐसी शादियां होती थी उस जमाने में ऐसी शादियां, लेकिन इस टाइप की ज्वेलरी नहीं होती थी उस टाइम पे यार। ये ज्वेलरी आई थिंक बहुत हैवी है, बहुत ज्यादा अमीरों के यहां होती होगी भाई उस टाइम भी। चलो ठीक है, बाकी ड्रेस तो इस टाइम की लग रही हो, ऐसी लेस वेस लगी चमकीली। सही है ना, नॉलेज है यार अपन को भी ड्रेस का है। शादियों की कैसेट बहुत देखी है अपन ने, शादियों के वीडियो बहुत देखा। ये क्या है, ये है कौन कौन, जन्नत मिर्जा और लिजबान जी में क्या बहने लग रही है, ये सहर, हाँ सहर हयात और जन्नत मिर्जा शायद। वाह भाई ये ऐसा लग रहा है वो काशी का मेकअप होता है ना, वो काशी जो आर्टिस्ट है उनके जैसा लग रहा है। ये ड्रेस भी वैसे ही कुछ लग रहा है। सारे बॉलीवुड सॉन्ग उठा उठा के डाल दिए। ये बात तो है। ओ ले भाई पाकिस्तानी song. गाना आ गया दैट सॉन्ग यार। मिनाहिल मलिक है ना ये, हाँ वही है। काफी टाइम हो गया है इनके वीडियोस देखे। खां बिचों किन्ना बोल दिए तेरे मेरे चौकी तो। बहुत जबरदस्त लग रहा है ये ड्रेस भी, और इनका मेकअप पूरा वैसे ही क्या है पिंकिश थोड़ा। चांद जलने लगा, ये इनका मेकअप थोड़ा लाइट किया है, देख कर देखेगा तू गौर से। हाँ मतलब चेहरा समझ में आ रहा है कि बंदे का चेहरा रंग रोगत कैसे पूरा बदल डाल, बिना मेकअप भी पहचान लेंगे लोग इसको ऐसा है। ये ऐसा ही होना चाहिए थोड़ा बहुत मेकअप, मेकअप कितनी ये वो है ना डॉली मेकअप। बिलाल सईद सॉन्ग, ये भी मायू की ड्रेस लग रही है ना। ये कुछ कलर अलग है, ये कुछ अलग, कुछ बेहतरीन नजर आया। सिंपल तो बहुत ही सही लगता है यार, कपड़े तो बहुत शानदार है, थोड़ा सा मेकअप आई थिंक इस पे भी गलत किया है। गुलाबी कहाँ से आ गया रेड में, ग्रीन में तो क्या ग्रीन चेहरा कर देंगे क्या? थोड़ा सा इतना गुलाबी नहीं करना था, वो सही था यार इसके पहले वाला वाइट वाइट जो था ना। ये बहुत ज्यादा ही हैवी हो गई, ये कुछ अच्छा शूट किया गया है प्रोफेशनली एकदम। ये रबी का ही है ना? हाँ यार, नहीं 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 कोई और है, कोई और है, एक तो है ना बाकी है। बढ़िया लग रहा है, बहुत प्यारा ड्रेस है, बहुत प्यारा लग रहा है। ज्वेलरी पूरी फिक्स है और थोड़ा रॉयल लग रहा है पूरा, काफी रॉयल सा लुक है। हाँ ये यही बात है, बहुत रॉयल सा लुक, काफी रबीका में मिलती हुई है। अभी रबीका ही है क्या? अरे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ यार, कोई बताएगा ये रवि का ही है? वही बात हो रही है कि वो मेकअप इतना ज्यादा भी रहना चाहिए कि बंदा पहचान में ना पाए। अब कंफ्यूजन है हमें रवि का ही है या कोई और है, वैसे लग तो हो ही रही है पर ऐसा लग रहा है कि बीच बीच में कोई और है, कोई और है यहाँ। कभी ये स्माइल इनकी कहीं मैच नहीं कर रही ना उतनी, रवि का लेवल की क्यूट नहीं लग रही स्माइल इसमें, या तो उतनी स्माइल कर नहीं रही है पता नहीं भाई, आप बताना क्लियर करना है थॉट। हमारी याददाश्त थोड़ी कमजोर है, हम बादाम नहीं खाते।
खत्म हो गया वीडियो, इधर ही एंड होता है भाई। पाकिस्तानी ड्रेसेस तो भाई क्या कहने, मतलब ब्राइड्स और शादियां पाकिस्तान की, स्पेशली हमने शादियां वैसे तो नहीं देखी है बट कुछ ब्लॉगर्स की शादियां देखी है, तो भाई नेक्स्ट लेवल ही होती है और मज़ा भी आता है। खास करके ब्राइड जिस तरह से तैयार होते हैं दोनों ग्रूम और ब्राइड, और ख़ास करके ब्राइड जो होती है उसका तो भाई नेक्स्ट लेवल ही होता है। क्या ही तो उसको उनको तैयार किया जाता है, बड़े बड़े लहंगे है, भारी भारी 30-30 किलो के लहंगे पहना देते हैं, उनका वजन ही 40 किलो होता है, 30 किलो का उस पर लहंगा पहना देते हैं। वो एक अलग ही टास्क रहता है यार उनको संभालना, भाई सच में बहुत हेवी और मुश्किल टास्क होता होगा गर्ल्स के लिए, खास करके गर्मियों की शादियाँ। वल्लाह अल्लाह खैर करे इन पर, क्योंकि सर्दियों की शादियों में तो चलो समझ में आता है कि भाई वो महंगा उतना महंगा वो भारी लहंगा पहन के चलो ठीक है ठंड से भी बच जाएंगी, लेकिन व्हाट अबाउट द समर्स। लेकिन लड़कियां सब कर लेती है भाई, कई लड़कियां तो भाई ऐसी रील्स भी आती है ना कि कई लड़कियां, मैंने सोचा था कि शादी के बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे, इतनी चूड़ियां पहनने को मिलेगी और बाद में वो रोटी बनाते हुए दिखती है। भाई वो सिर्फ शादी के 7 दिन जो रहते हैं, 5-6-7 दिन उसी के दिन के मजे, और 2 दिन की जो शादी है वो कपड़ा पहनना वो मस्त, आप ही सबसे सेलिब्रिटी, बड़ी सेलिब्रिटी हो अभी, बस वो 2 दिन की बात है, उसके बाद आप क्या हो आपको भी पता चल जाता है थोड़े दिनों बाद कि भाई अपना कोई पता चल जाता है, दोनों को ही पता चल जाता है कि भाई तेरा काम क्या, तू तेरा काम कर, तेरा काम क्या, तू तेरा काम कर, दोनों ही अपने अपनी जगह पे चले जाते हैं। चलो बताना गाइज आपको कैसा लगा, और हमारे कुछ भी क्वेश्चंस रहे होंगे तो आप आंसर करना, और कुछ भी शेयर करना हो तो करना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।